जीत रहे हैं सर बिल्कुल। आपका क्या विचार है? उम्मीद जीत रहे ऐसे विचार लग रहा है। आपका कृषि और क्षेत्र? हमारा गांव केकड़ है। नाम क्या? नाम ओम प्रकाश। आपका क्या लग रहा है? हमारा तो उम्मीद जी लग रहा है। आपका नाम? लक्ष्मण सिंह। व्यापारियों से मिल रहा हूँ, मेरे साथ में सेठ बैठे, मुझे लगा एक अंबेडकर की तस्वीर लगी थी, कहीं अंबेडकर के भक्त हैं या फिर अनुयायी हैं। नेताजी आप रुके नाम पढ़ा है? बोमाराम सर। कौन सा गांव पढ़ा है? खारी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा में? लोकसभा में लग रहा है कि अब की बार बीजेपी आने वाली है। बीजेपी आएगी? बिल्कुल पक्की बात। आप मेघवाड़ बीजेपी के साथ में? बिल्कुल। रविंद्र भाटी के साथ में नहीं है? नहीं। अच्छा, उम्मीद आना वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे। पक्की बात। समाज में कैसा थी? स्थिति बढ़िया एकदम। लोग क्या चाहते हैं? लोग तो चाहते हैं कि बीजेपी आने वाली। बीजेपी हवा बदल गई लेकिन थोड़ी ठीक है। ठीक है, बदली प्लानिंग है। बहुत बढ़िया प्लानिंग है। कौन जीतेगा? अमित आराम जी। बेनीवाल जीतेगा? बेनीवाल जीतेगा। बहुत बढ़िया माहौल, बहुत बढ़िया सले, वोटिंग बहुत बढ़िया हुई, जीत ही बहुत बढ़िया हुई। वैसे आदमी भी वो बहुत बढ़िया है। कितने वोटों से जीत जाएगा? वोट लगभग हमने जी 2.5-3 लाख। अच्छा, 2.5-3 लाख डंके छोड़ जी थी। बाकी सब ठीक है, लोग बोले कि उम्मीदवार जीते। उम्मीदवार जी के कार्यकर्ता के बारे से या फिर उनके वोटर से झिझक के कह रहे, डर लग रहा है? डर तो कहीं को लगे नहीं, पर वो है वो, पर मऊ और डफे बोली जुड़ कौन? अच्छा, ये बात हो सकता है, हो सकता है। नए नए बोलते ऐसे माफ करना, कहीं नए नए लोग होते तो। पर जाना के टक्की हो। आपका नाम और आपका? मेरा नाम किशन है, मैं जाती हूँ दूधुगो। ठीक है, बूथ कर पड़े बूट मैं जा रहा हूँ। व्यापारियों से चर्चा कर रहा हूँ कि लोकसभा में क्या होगा। ये तो नाबालिग है, मेरा पुराना विद्यार्थी है, बुरा बोरा जो भी है, इनको मैं लोकसभा के विषय में नहीं चर्चा करूँगा। लेकिन मेरे साथ यहाँ सेट है जो अपनी यहाँ की कुछ लोकसभा के विषय में बताएंगे। लोकसभा के बारे में क्या विचार है? हमारी राय है कि भाटी साहब, रविंद्र सिंह भाटी जी। आपका बूथ और आपको पर्ची जानना चाहूँगा। गाँव चोटन है मेरा, जिला बाड़मेर है, राजस्थान है। हम रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्ट करते हैं। आपका शुभ नाम? स्वरूप सिंह। अगर मैं पूछना चाहूँ राजपूत? राजपूत तो मेरा पुराने मित्र भी है। सौंदा जी क्या लग रहा है इस लोकसभा? नमस्ते जी, मैं इस लोकसभा चुनाव में विस्तृत चर्चा तो नहीं कर पाऊंगा, हालांकि मैं पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता हूं और उसके बाद में एक सामाजिक संगठन से भी जुड़ा हुआ हूं। परंतु मेरी ये सोच है, क्योंकि पार्टी और पार्टी को छोड़कर हम व्यक्ति को पसंद करते हैं, कि व्यक्ति को जो जनता के जनसंपर्क के साथ में उसकी लोकप्रिय और उनके काम को देख कर हमने हमारा मानस बदल दिया है और हमारा ये वोट रविंद्र सिंह भाटी साहब को जाएगा और विजयी भव। हमारा आशीर्वाद है, माँ करनी से हमारी यही प्रार्थना है। अब की बार सारे भारत से या सारे कवि इधर गए हुए हैं? ये हमारी नहीं है, देखो हमारे पूर्वजों की कई पीढ़ियों से भी हमारा इनका पुराना नाता है कि चारण राजपूत को कम्युनिकेशन कभी कोई चेंज नहीं कर सकता है। हमारे युगों युगों से हम साथ में थे, साथ में रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। कोई कविता वगैरह लिखी नहीं लिखी इस बार? अब कविताएं तो लिखने के लिए माँ भगवती से वचन मांगा है, जो पूर्ण होते के बाद में हम कविताएं आपके सामने नए रूप में नए चर्चा के साथ आएंगे। धन्यवाद। जबरदान नाम है मेरा, गांव है ओगाड़ा। क्या लगा इस बार ओगाड़ा में? ओगाड़ा में ओनली फॉर भाटी। ओगाड़ा में तो कई लोग कह रहे हैं, हम उम्मीदवार हम जी जीत रहे हैं। ओनली फॉर भाटी रहा एंड मजबूत रहा। आप नाम जानना चाहूंगा? लोकसन। अच्छा, क्या लग रहा है इसका लोकसभा में? लोकसभा में उम्मीदवार हम का ठीक रहा, भारी लग रहा। अच्छा, आपका परिचय जानना चाहूं, बूथ जानना चाहूं तो? उड़ा सर। उड़ा सर से? हां। तिलोकसन। धन्यवाद। अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनके कई ग्राहक आए हुए हैं। इस बार लोकसभा में क्या लग रहा है? बहुत तगड़ा माहौल लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास है रविंद्र सिंह भाटी का। अगर आपको पर्ची और बूथ जानना चाहूँ तो? जी बूथ और पर्ची जानना चाहूँ? खराडेर। अच्छा, एकदम जोरदार कड़क फर्स्ट क्लास और डंके की चोट हड़मतदान पदमदान का ओगाड़ा। अपने चलो है जो कई सालों पहले पढ़ा करता जब छोटा था तब, पहले जब मैं मास्टर था तब। क्या लग रहा चला इस बार लोकसभा में? रविंद्र भाटी जीतेगा आपकी बार भी। पक्की बात? पहले कब जीता था विधानसभा में? अच्छा, रविंद्र भाटी क्या जीतेगा? वोट। अरे जीतेगा किस में? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में? विधानसभा। अलग अलग दुकानों से मिल रहा मैं यहाँ, दुकान है एवन टेलर्स, टेलर्स में मैं गया हूँ। वहाँ सेटों से पूछूंगा आपके लोकसभा में क्या विचार है। लोकसभा में अब की बार तो भाटी का माहौल अच्छा लग रहा है। रविंद्र सिंह भाटी, रविंद्र सिंह भाटी। आप बूथ और पर्ची जानना चाहूँ तो? बूथ हमारा इसरोल गाँव है, चोटन विधानसभा में, पर्ची अशोक कुमार दर्जी। से अलग अलग व्यापारियों से मैं मिल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ लोकसभा के प्लानिंग क्या है। मेरे साथ सेट है, लोकसभा में क्या प्लानिंग इस बार? सर लोकसभा में तो यही प्लानिंग है कि हमारा देह है कि मोदी, हम तो मोदी को ही वोट देना चाहते हैं। कमल का फूल हमारा एक ही देह। मोदी जाने के बाद बाड़मेर में कुछ हवा बदली है? हाँ, मोदी आने के बाद बहुत सारा कुछ बदला है, लोगों का माहौल बहुत, पहले कुछ कम था और थोड़ा बहुत कैलाश के प्रति लोगों की भावना अच्छी नहीं थी, परंतु मोदी की मीटिंग होने के बाद में लोगों को माहौल बदला है और मोदी आने के बाद में 50% फर्क पड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैलाश बेनीवाल डके की चोट जीतेगा। कैलाश बेनीवाल जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा सब, और जनता की भावना है
सब ये चाहते हैं कि बीजेपी को ही वोट दें। अलग अलग दुकान पे जाके व्यापारियों से बात कर रहा हूँ, लोकसभा चर्चा कर रहा हूँ, इस बार मेरे साथ में सेठ है, सेठ इस बार लोकसभा में क्या लग रहा है? लोकसभा में तो सही तरह लग रहा है, माहौल तो उम्मीदवार रामजी का ज़्यादा है। हाँ उम्मीदवार रामजी जीतेंगे। परिचय तो हमारे यही धोरिना के रहने वाले है और बूथ धोरिना अलग है। आपका नाम? मेरा नाम है अर्जुन राम। गाँव? गाँव पड़ता लोहारवा। आप लोग जानना चाहो तो? भाई वही उम्मीदवार राम का ही सपोर्ट है हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन जीतने वाला है? जीतने वाला उम्मीदवार राम जी बेनीवाल। आपको अगर परिचय और बूथ जानना चाहो तो? सब वाला जैतमाल। आपका नाम? अलग अलग दुकानों पे मैं धोरिमना में जाके यहाँ जनता से रुझान जान रहा था, व्यापारियों से मिल रहा था कि इस बार क्या करेंगे अपन मिलके। मेरे साथ एक फैंसी स्टोर है, मैं वहाँ गया हूँ, व्यापारी जी है और मैं पूछूंगा सटा इस बार लोकसभा में क्या प्लानिंग है। हमारी प्लानिंग तो बहुत अच्छी है भाई, हम तो कैलाश जी चौधरी के साथ है, मोदी भगत है, जिंदगी भर मोदी को ही वोट देंगे। अब रसा पार्टी के साथ लोग बहुत हैं लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि वो निर्दलीय है, लोग पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैलाश चौधरी के साथ जाएंगे। जीतेगा कौन? जीतने का तो भगवान भरोसे है, हनुमान के साथ तो कैलाश जी और बेनीवाल की टक्कर है, रविंद्र भट्ट का कोई टक्कर में नहीं है। बूथ और कौन से जाना चाहते हो? हमारा बूथ तो धोरी नहीं है, धोरी में वोट पड़ता है हमारा। आपका नाम? आपका पुराना दोस्त है रामनिवास बिश्नोई। रामनिवास लोकसभा में के लागे वोट लागे को लागे बगैर ना लागे को नहीं? अच्छा जीती कौन? तो उम्मीदवार राम बेनीवाल। अच्छा क्यों गांव में मिनक बात करें? हां घणई घणई हासी बात करें? हासी का दादो कार्यकर्ता इन वजह के? ना ना दादो कौन? अच्छा जीती जीती पक्की बात? मार्केट के लगभग मुख्य बाजार से मिनी बाजार को जोड़ने वाले मार्ग पे हूं और यहां पे वडो खड़ा है। बड़ा बगैर लोकसभा में के लागे? ठीक लागे सब बढ़िया लागे। कौन जीती हमके लागे? तो सा भाटी सा भाटी जीती। पक्की बात? पक्की बात। भावलपुर जसुड़ है? बहुत बढ़िया। आप नाम और गांव जानना चाहो तो? गांव मेरा गांव है जानिया का मगरा नेड़ी नाड़ी। और नाम? नाम कृष्णा राम। अच्छा बिश्नोई बिश्नोई डारा। गली में एक एक दुकान से ग्राहकों से या व्यापारियों से बात कर रहा था मेरे लोकसभा के विषय में क्या हो रहा है। तो मेरे साथ अब की बार यहाँ वस्त्र भंडार की दुकान है और सेटा लोकसभा में क्या लग रहा है? हमारा तो रुझान मोदी की तरफ है। अच्छा मोदी में कौन? कैलाश जी को वोट देंगे हम तो। कैलाश जी को देंगे? बिल्कुल। मोदी आने के बाद हवा बदली कुछ? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अच्छा। इस इलाके में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, बाकी प्रभाव पड़ा है बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अच्छा क्या देखा मोदी सभा में इस वजह से प्रभाव पड़ा? देखो देखा तो क्या मोदी के क्या उनसे मंत्र दे दिया जिससे प्रभाव पड़ गया? नहीं मंत्र कुछ नहीं, मोदी का चेहरा ही एक ऐसा है, मंत्र मंत्र तो कुछ नहीं दिया, बाकी उनका चेहरा ऐसा है मतलब लोग सब राष्ट्रवाद की ओर देखते हैं और राष्ट्रवाद का देखकर मोदी को वोट करना चाहते हैं। मोदी को? अब क्या लोग ये भी कह रहे हैं मोदी जी अगर जीत गए क्या तो रविंद्र भाटी भी जीत गए मोदी जी की तरफ है? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं। कैलाश जी है कि मोदी जी की तरफ है? बिल्कुल कैलाश जी। आप नाम और बूथ जानना चाहो तो? गोदारो का तला मांगता नाम गंगाराम चौधरी यहाँ पे बाजार में। सेटा इस बार लोकसभा में क्या लागे विचार? रविंद्र सिंह भाटी। भाटी जीतेगा? भाटी। कौन सा गांव पड़ता है आपका? बाड़मेर। अच्छा अगर नाम जानना चाहूँ मैं तो? राणामल। राणामल जी चेटिया हो या फिर जैन? जैन। इस बार लोकसभा में क्या लग रहे हैं? भाजपा आएगी पक्का। कैलाश जी जीतेंगे? भाजपा में दो लग रहे हैं लोग ऐसे कह रहे हैं, रविंद्र नहीं नहीं झूठी बात है, झूठी बात है। कैलाश जी जीतेंगे? बिल्कुल कैलाश जी। कैसे स्थिति लग रही है? बहुत बढ़िया है। और अपना परिचय और बूथ जानना चाहो तो? मेरा नाम सुजाराम पोटलिया है, गोलिया जैतमाल, बूथ संख्या 76 पोटलियाँ की डाणी। जीतेगा कैलाश जी? पक्का 100%। इस बार लोकसभा क्या मानेंगे? लोकसभा में उम्मीदवार राम जी विजय रहेगा 1.5 लाख वोट से। उम्मीदवार जीतेंगे? जीतेंगे पक्का। पक्का। आप नाम जानना चाहो तो? पप्पू राम। और गांव? कोठाड़ा। कोठाड़ा। हाँ। उस गली से लेके अंतिम स्वर तक मैं मुख्य बाजार से मिनी बाजार तक जोड़ने वाली गली का पूरा मैं प्रत्येक दुकान पर जाने का प्रयास किया, मैं प्रत्येक व्यक्ति व्यापारी से मिलने का मैं प्रयास किया। अब मैं अंतिम वापस यहीं जहाँ से शुरू किया था वहाँ मैं और व्यापारियों से और ग्राहकों से मिलके यहाँ अंत करने वाला हूँ आज की इस सवाल को। और मेरे साथ में कई और ग्राहक है जिनसे मैं पूछ लेता हूँ कि लोकसभा में की बार क्या रहने वाला है। आप लोग लोकसभा? लोकसभा में हमारा ये विश्वास है कि हम जरूर उम्मीदवार राम जीतेंगे और अपना कहने का मतलब हनुमान बेनीवाल भी आएगा, ऐसा स्वभाव है हमारा। आपका परिचय जानना चाहूँ? हमारा परिचय धोरिमना गाँव है, बाड़मेर जिला है। शुभ नाम? मियाँ राम जी है, सारण जातिया हूँ। आपका नाम? नगाराम। क्या लग रहा है लोकसभा में? उम्मीद जीत रहे हैं सर बिल्कुल। आपका क्या विचार? उम्मीद जीत रहे ऐसे विचार लग रहा है। आपका परिचय और सेकर? हमारा गांव केकड़ है। नाम क्या? नाम ओम प्रकाश। आपका क्या लग रहा है? हमारा तो उम्मीद जी लग रहा है। आपका नाम? लक्ष्मण सिंह। कौन सा गांव पड़ा है? केकड़। चौधरी हो जाटो? चौधरी। चलो ठीक है।